वेलकम टू आश्रम अनाथ। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। काहे? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम फिर भूल गए मुझे। भूल गया मैं? भूला तो उसको जाता है जो याद हो। क्या बोला क्या भाई, पूरा मोहल्ला जानता है कि आप यहाँ की सबसे शानदार, सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत, सबसे लजीज राइटर बनना चाहती हैं, जमीला खान रौनक। जेके रौनक। तो मुझे ये बताओ, तुम मुझे खुद मिलने का बुला के खुद ही नहीं आए? मैंने आपको कब बुलाया? तुमने खुद मुझे कॉल करके कहा था शालीमार गार्डन आ जाओ जेके। मैंने आपसे कहा था शालीमार गार्डन आ जाओ जेके, यानी जस्ट किडिंग। तो बिला वजह फोन करके बोलने की क्या जरूरत थी? ठंड रखें अपना जेके, मैंने आपको बिला वजह नहीं कहा, मेरी नियत थी तपाने की आपको, इसलिए मैंने फोन किया था। ताबिश, मैं ऑलरेडी बहुत तपी हुई हूँ। ठंड रखें ना आप। तुम्हें दिख नहीं रहा है ताबिश, तुम्हें दिख नहीं रहा है कितनी महंगाई हो गई है। हाँ। पेट्रोल महंगा हो गया है, मेकअप महंगा हो गया, ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे, 3 पीस 2 पीस 1 पीस चिकन जिंगर। तुम्हें पता है कितने का होता है? तुम कुछ नहीं जानते ताबिश, तुम कुछ नहीं जानते। कुछ कुछ जानता हूँ। इतनी महंगाई हो गई है, फल फूल सब्जी सब महंगा हो गया है, और इतनी गर्मी। गर्मी का इलाज ना, ठंड रखें आप, ठंड रखें। आफ्ताब, इतनी गर्मी, आफ्ताब फेंक बेटा। इंसान तपे ना तो क्या करे? ये करें आप, ठंड रखो बस तुम। ये क्या लगता है, इतनी गर्मी और इस गुस्से का इलाज? का इलाज ये है? बहुत, मैंने पहली बार किसी को इतने मजे से पीते हुए देखा है। तुम तो वाकई एंजॉय कर रहे हो। हाँ, बहुत अच्छी है। इसके चक्कर में तुम स्क्रिप्ट भूल चुकी हो जेके। थोड़ी सी मैं भी पी लूं, उसको मैं संभाल के रखूंगा। सुना है झूठा पीने से बीमारियां हो जाती हैं। मैंने तो सुना था मोहब्बत बढ़ती है। नहीं नहीं, बीमारियां बढ़ती हैं, गलत सुना है तुमने, कोविड फैला हुआ है। तुम जाओ, मैं वाकई तुम्हें लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा जेके। फ्रिज में बैठ जाओ, फ्रिज में बैठ जाओ जाके, चिल करो। याद रखिएगा, मैं बहुत ख्याल रखूंगा अपना। कादिर आजाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो मुझसे ज्यादा मशहूर है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। ये सब बातें मुझे करनी पड़ती हैं। गेस्ट कहते हैं हमारी तारीफ ही नहीं की, आपकी भरपूर तालियों हिला मारे। आवाज बहुत बैठी हुई है, सुबह ऐसा फड्डा हुआ है, बहुत बुरी लड़ाई हुई हमारी। अच्छा, मजे की बात है, हमारी लड़ाई की बुरी बात ये होती है कि हमारा लड़ाई में, क्योंकि डिस्टेंस अम्मी के घर का इतना है कि अम्मी के घर जाती, इतना डिस्टेंस है कि आधे रस्ते में गुस्सा ठंडा हो जाता है। ये बहुत बड़ा गुस्सा, इतना बुरा हुआ, मैं गुस्से में फुल निकली। पहले तो मैं बहुत चीखी चीखी, बच्चे सोए हुए थे, कमरा बंद था, इतना मैं चीखी, मासी पे चीखी, मालिनी का क्या प्रॉब्लम है, तो बिनता चीखी चीख रही। मैंने कहा बस मुझे चीखना है, कह के मैं निकल गई घर से। और फिर आधे रास्ते में मैंने कहा ये मैंने क्यों किया, मैं क्यों चीखी। 6 बजे फ्लाइट थी, अभी पहले वीजे के लिए जाना था। मालिनी का हीरा, तुम्हारा लंदन, तुम्हारा शो है हीरा। मैंने कहा अरे नहीं जाऊंगी लंदन, लानत, लंदन नहीं जाऊंगी, ये वाली थी कि नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो झगड़ा हाल हो गया, झगड़ा। हाँ, ये अभी अभी चल रहा है। इसको शो के बाद तक के लिए थोड़ा, उसने मुझे जहाज में बोला कि तुम्हारी वजह से होते, मेरी वजह से होते, तो अभी तक वो डिसाइड नहीं हो पाया। नहीं नहीं, ये डिसाइड करना ही नहीं है, क्या होता है इसके साथ, कैसे मारा तुम? मैं ही गलत हूँ, आप ही गलत, मैं ही गलत हूँ। हर कोई ऐसा मिर्चों वाला कोई ऐसा जला कटा जुमला आप बोलते होंगे जिसके बाद वो लड़ाई होती होगी, डेफिनेटली आपकी आदत है ये। मुझ पर आपने थोपा ये सब कुछ, मुझ मेरे ज्यादातर झगड़े इस बात पे होते हैं तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो। ये तो सही शोर है, कुछ नहीं, क्योंकि ये बात भी होती है कि जब तुम नहीं बोलते तो मैं कहती हूँ बोल नहीं रहा। खवातीन का तो ये होता है मानी भाई, अभी हमने एक शो किया उसमें मैंने ये बताया कि अगर खवातीन ये बोलें कि तुम बोलते नहीं हो और आप बोलें तो बोलते कितना बोलते हो। बच्चे संभालो तो कहती हैं कि तुम इन्हें मुझसे दूर कर रहे हो, ना संभालो तो कहती हैं कि यार तुम्हें बच्चों का कोई ध्यान, में नौकरानी हूँ। पहला सवाल नहीं पूछ रहा मैं मानी भाई, चल पहला सवाल बीच से आ जाए। अफसर मानी, फैसल मानी, हीरा मानी। फैसल मानी क्या है? फैसल मानी उल्टा सीधा, उल्टा सीधा में फैसल मानी थे। फैसल मानी
आप लोग आपस में भी एक शो कर सकते हो, मैं चलता हूँ। इनसे बहुत लोगों की शिकायत। फैसल मानी, असफर मानी, हीरा मानी, आप जोड़ी का ही माल क्यों रहे हर वक्त? ये जो इतनी जोड़ियों में आप काम करते हैं, आपको लगता है कि आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं यार मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट, आई एम अ टीम पर्सन, मैं टीम्स में अच्छा, इज दैट द रीजन? नहीं यार, 12 साल 13 साल मेरे जो सोलो शो चले, जैसे मानी हिजम, मानी सेज, मानी गिरी, फला मानी, ये मानी, वो मानी, और टॉप के शो राइट, हाँ वो सारे बड़े शोज थे, मैं अकेले ही खड़ा होकर करता था। लेकिन मानी जिसके साथ काम करता है वो हिट हो जाता है। जब शादी हुई हाँ। आप पॉपुलर थे हाँ। आप नहीं थी, आप थी नहीं, आपको नहीं, इन वजह से जानते थे कि हीरा मानी है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही। शादी होने के बाद अब थिंग्स हैव टेबल्स हैव टर्न्ड, टेबल टर्न्ड, टेबल टेबल टर्न्ड, कौन है ज्यादा मशहूर? सुनो सुनो, तुम या मैं? अच्छा, दिन और रात आप देख रहे हैं इस कपल को, इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। किससे बनाया तुम्हें स्टार? मेरे टैलेंट ने। घरों से झगड़ा करके आके दूसरों के शो में आपस में प्यार मोहब्बत करते रहते हैं, वो वेला लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा सवाल, मैं एक चीज और तारीफ करने वाला हूँ। ओके ओके ओके। मानी भाई, जितना ग्रेसफुली आपने ये देखा, ये जो ट्रांजिशन थी कि वो हिट हो गई, अब आप कि वो पॉपुलैरिटी शायद नहीं रही जो आज हमारे मेरे जमाने में थी, मानी भाई, मानी भाई एंड ऑल, जिस तरह से ग्रेसफुली आपने इसको टैकल किया, वो पाकिस्तान में कम लोग करते हैं, वो नाराज हो जाते हैं बेगम आते कि यार ये कैसे बढ़ गई हाँ। यहाँ पे यूजुअली रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं यार। मैं मुझे ये कि मुझे ये काम का क्योंकि इसलिए पता है, मेरे अब्बा ये काम करते थे तो हमें पता है ये काम है हाँ। इसमें कभी भी आपका पीक नहीं रहता, अभी लफंगी आएगी इंशाल्लाह, हिट होगी इंशाल्लाह, तो फिर दोबारा अगले दिन गाड़ी चल पड़ेगी। तो यही होता है, आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए होता है, आपको एक चीज़ चाहिए होती है, आपको वो राइट्स जगह पे मिल जाए। मेरा मसला ये था कि मैं खुद ही बनाता था हाँ। खुद ही बनाता था, खुद ही प्रोड्यूस करता था, खुद ही चलाता था, पब्लिक देखती थी, ठीक है। तो कोई 15 साल मैंने ये किया, आपने किया। और 16 साल आके मेरा दिमाग बंद हो गया कि मुझसे नहीं हो रहा, सही है। जिस दिन आप ये सब चीज़ें खुद करेंगे और आपको कोई सपोर्ट नहीं होगी, चैनल भी नहीं सपोर्ट करेगा और आप खुद ही लगे होंगे, तो इवेंचुअली ये बत्ती बंद होनी थी एक पॉइंट पे जाके, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक तरफ से एक बत्ती और जल पड़ी। बहुत ग्रेसफुली अब साहिर भाई हैं हाँ। मानी सब तुम लोग एक ही टाइम हाँ, एक टाइम के लोग हैं, तो साहिर लोधी कर रही है मॉर्निंग शो, लेकिन एक टाइम होता है जो, मेरा भी एक टाइम ही होगा जो पीक होता है, उसके बाद पॉपुलैरिटी तो मैं कहती हूँ हमारे शायद नसीब में लिखी हुई है। जब मानी से मेरी शादी हुई थी तो सब मुझे मानी, मानी की बीवी मानी, मैं कहती थी यार मैंने अपना नाम हीरा सलमान शेख नहीं रखा, फिर मैंने हीरा मानी रख दिया नाम अपना, मैंने कहा चलो हीरा मानी के नाम से, फिर वो चीज़ें भी मेरी हिट होने शुरू हो गई। फिर मानी की मुझे ग्रेस, जो ताबिश आपने बात की मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, ग्रेस इसी में ही है मानी की, कि मानी ने फिर मेरे ड्रीम्स को अपने ड्रीम बना लिया। क्या बात? और जब आप फैन होते ना किसी के तो आप उसी की तरह होते हैं, ऐसा ही मैंने देखा ही मानी को शुरू से करते। तो मैंने भी ना कि टी वी पर हम तो हमारा शो था, मैं करना मैं टांग लाती रहती थी, कभी उसकी बेइज्जती, कभी पता नहीं क्यों मैं। फिर मानी ने मुझे कहा कि नहीं हीरा ये तुम्हारा फोटे नहीं है ब्रो, हाँ तुम वो करो, तुम एक्टिंग करो हाँ। और मैं हमें वो मशवरा सही था, 2000 मैं हमें शायद 15 में वो उसके आखिरी शो था, शो करी थी और इससे पता नहीं हो भी नहीं रहा था सही तरीके से, मॉर्निंग शो था हाँ। मुझसे और, नहीं हुआ था, पैसे बहुत अच्छे मिलते थे इसको पहले, बहुत पैसे मिलते थे yes. इन कामों से हमने घर वर दो एक बना लिया, एक घर नोट करें ये नेप सारे एफबीआर प्लीज घर तो हैं हाँ घर तो है। लेकिन फिर ये क्या मानी ने मुझे कहा हीरा ये तुम मत करो ये काम, मैंने डिक्लाइन पे ये शोभा ही डिक्लाइन हो रहा है, छोड़ दो मॉर्निंग शो, फिर वो मैंने छोड़ दिया। साहिर भाई ने नहीं छोड़ा हाँ, साथ शुरू किया छोड़ा नहीं, आपने बातों बातों में रेडियो शो कर, रेडियो शो मैं सुनती हूँ साहिर भाई का, साहिर भाई का रेडियो शो में मोहब्बत है प्यार, साहिर भाई का मॉर्निंग शो लाइन भी दे रहे थे, वो वाइट शो था मॉर्निंग शो जो रात में देखा जा रहा था, इतनी प्यार मोहब्बत। अच्छा उनकी अपना एक साइंस है, हमारी इतनी साइंस नहीं, साहिर भाई पे जरा शेर हासिल गुफ्तगू हो जाए यार, वो कह रहा मैं मुझे लगता है ताबिश प्लीज, कि उस टाइम के जो होस्ट थे ना, अगर साहिर लोधी नहीं होता ना इन तड़कों में, तो ये तड़के भी नजर नहीं आते। मानी नजर आया क्योंकि एक साहिर लोधी था, एक साहिर लोधी था तो मानी नजर आया, यू नो हाँ। तो ये हर किस्म का बंदा एक आमिर लियाकत थे, एक आमिर लियाकत तो वो एक लॉट थी, 10-15 लाट का माल आया हुआ था, लाट का माल आया हुआ था जिसमें हर फ्लेवर था, फ्लेवर था। आपने अच्छा कवर कर लिया साहिर भाई को, वरना बातों बातों में निकल गया था यार, साथ शुरू किया था आज तक वही कर रहे हैं वो। अच्छा अब मैं ले जा रहा हूँ आप सबको एक रेस्टोरेंट में, पहली डेट है आपकी और आप लोग मिले, आपने एक दूसरे को देखा नहीं है और हीरा लेकर आई अपनी दोस्त को साथ, मुझे ये काम लड़के करते हैं साथ चल जानी। जब मैं अपनी पहली डेट पर गया तो हमने खातून को कराची में एक पार्क टावर्स नया नया खुला, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही जिंदगी वहाँ हाँ, उसको पीटी कहते थे हाँ, बर्गर लड़के पीटी
ताकि लगे कि हम रोज जाते हैं। तो पीटी पे जा रहे थे तो भाई उनको बोला कि यार मैं पहुंच जाऊंगा अपनी गाड़ी में। मैं लड़की को बोला अपनी गाड़ी में पहुंच जाऊंगा, तुम पहले पहुंच जाना, आई कैन नॉट पिक यू क्योंकि मैं देर से आऊंगा। मैं सफारी कोच से गया, सफारी कोच से। सफारी कोच एक पब्लिक बस है, 5 रुपए किराया। नहीं नहीं अभी किस्सा सुना रहा, वो नहीं, वो एक बचपन में आता था एक चूटिया किस्सा, एक बिल्ली का किस्सा, जो बादशाह के जेल में जा रही होती, लोगों को साथ में बिठाती है, मेरे कान में बैठ जाए चूटी छोटा कुत्ता। तो उसी तरह मैं रास्ते से दोस्त इकट्ठे कर रहा था। सफारी पोदने की कहानी, सिंधी मुस्लिम, हाँ पोदना पोदने की, सिंधी मुस्लिम पे गई थी, एक दोस्त जा रहा था रोड पे, मैंने कहा आ जा आ जा आ जा। और सफारी कोच में 3-4 लड़के मेरी डेट पे जा रहे थे। हम पार्क टावर्स पहुंचे, खातून को पहले पहली बार देखा था, जब मैंने पहली बार देखा तो उम्मीद से थोड़ा कम मामला निकला। उम्मीद तो आपको ऐसी मोहब्बत हो चुकी थी, हमें 6-7 महीने से हुई थी, एमएसएन पे चैट कर रहे थे। एमएसएन पे चैट कर रहे थे, तो मोहब्बत तो ऐसे ही हो चुकी थी तबाकुन, बिल्कुल सही है। अब शक्ल वकल सेकेंडरी हो चुकी थी। तो मैं जो देखा तो वो एकदम कांच सा टूट गया जो इमेज था, लेकिन अब क्योंकि दिल में मोहब्बत थी तो वो चलाया, वो ज्यादा करते हैं। अब मेरा रोमांस चक्र सस्ता, जमाना सस्ता था, उनको पसंद थे ओलिव्स यानी जैतून। तो मैं जैतून की एक शीशी लेकर गया था, इतना ही बजट था मेरा। बहुत डिफरेंट डेट है। हाँ, बहुत डिफरेंट। तो बजट ये था कि सफारी कोच का आना जाना, जिसमें अभी ओवर बजटिंग हो गई थी, दो दोस्त बिठा लिए थे और ओलिव्स की एक शीशी। अब वो खातून बैठी नहीं थी, तो मैंने बजाय इसके कि उनको छेड़ता, मैंने यूं करके ओलिव्स फेंके। अब फेंके तो वो उनसे आगे चले गए, देखी नहीं, वो किताब पढ़ रही थी, यूं यूं चले गए। दुकानदार वाले ने बोला भाई आपके जैतून, उसने मुझे वहां से वापस फेंक दिया। तो फिर मैंने हल्के से फेंक, ये सच बात है, हां असली बात, असली बात है। तो फिर वो जैतून उन तक पहुंचाए, जैतून उन तक पहुंचाए गए, उन्होंने कहा देखो ना। फिर उन्होंने पकड़े, फिर हमारी बातचीत शुरू हुई, हम एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। अब उन 3 लड़कों को मैंने असाइनमेंट दिया था कि तुम ना आके मुझसे झगड़ा करोगे, ओके, ये दिखाने के लिए ना कि यार हम फड्डेबाज भी तो हैं। तो वो लड़के झगड़ा करने आ गए बीच में, क्या कर रहे तुम इधर बैठा हुआ। मैंने कहा क्या हो गया तुम लोगों को, उनसे सेटिंग ये थी उन्होंने डरना है। जब मैं उठा ना, मैंने क्या करना है, उनकी हंसी छूट गई, वो एकदम कैरेक्टर से बाहर आ गया। अरे लड़की को भी शक हो गया कि यार। अच्छा हमारा तो उल्टा था, ये हम पहले डेट पे गए लड़के के साथ, हाँ। दोस्त के साथ हम तो बिल्कुल साइड हीरो नहीं, साइड से भी साइड वाले थे, बिल्कुल 52 केजी मानी, मुंह तो बड़ा कैसा था मुंह, हां। लेकिन ये था कि हम गए और एक दोस्त आता था, थोड़ा अमीर था, किंग्स एंड क्वींस पिज्जा खुला था एक, मैं जानता हूं किंग्स एंड क्वींस, बचपन में एक पहला दानिश कदा के साथ, हां। हम वहां चले गए और हमारी नियत तो पिज्जा पे होती थी, मैं कहा यार हम तो वो थे जो खा जाते थे, अमीर दोस्त थे। तो उस टाइम में हम नए काम करते थे, कुछ काम तो था नहीं, इंटरमीटर किया हुआ था, इंटर भी नहीं किया था, अभी अंदाजा नहीं था कि वो रिजल्ट क्या आएगा, किस कॉलेज में, येलो कैब पे खड़े हो गए, स्केल थी भाई की, तो उन्होंने कहा यार वो घोरे आते हैं रात की फ्लाइट पे ना, ओके, तो यार तू जो है ना उनको छिंच घेर के ले आ, घेर के ले आ। अरे वाह, घेर के लेके आता था, 3 दिन में इतने मैंने वो खाए टक टक, क्योंकि वो टैक्सी वालों की एक वो थी गैंग था। मैंने कहा यार मैं बाहर ऐसे नहीं खाऊंगा, ये वो वगैरह सर पे मार देते ना, यूं टक करके भी मारते, यूं के पीछे आप देखो तो बंदा नहीं घिसे, ये काम भी किया बहुत खेले। अच्छा मैं गोरा हूं कैसे घेरेंगे, कुछ सहाफी थे, उन्होंने एक जर्मन बेचारे कॉन्सुलेट के बंदे को पकड़ लिया था, और वो कह रहे थे तुम टोनो, लेकिन मार्टिन सही था और वो टुन थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे वो टुन थे। ये वीडियो पड़ी है, आई थिंक इंटरनेशनल मीडिया अक्यूज यू, ठीक है ना, मैं के मार्टिन, मैं मार्टिन हूं, हां मार्टिन, सारे मैं तो मेरी इंग्लिश जो थी वो इंटर की थी, इंटर वाली सी तक थी, और वो माइनस में थे बिजी। सो एक्सक्यूज मी, हेलो मार्टिन, या हेलो, या ओ व्हाई डोंट यू टेक अ राइड फ्रॉम मी, आई डोंट वांट टू राइड यू, नो आई हैव अ मीटिंग कार, ओ यू हैव अ गुड, Yeah. No, this is my bag. Okay, only few dollars. Few dollars? Good ride, Hava. Hava? Hey, Erika. Yeah, I have it. Oh, Erika. Yeah. PC? Yeah, I see. No. Come. Yes. Come. Abhe, yaar, wali. Mani bhai, aap Martin hai, main reporter hoon. आज गेम खत्म कर दें, सही है, हाँ।
What happened? You English? Yeah, no, I'm from Germany. Same, English. No, Germany is different. You know, Germany is a... What do you people want? You drink too. No, I don't drink. Of course I'm Christian, but I don't drink. You, how possible drink not? What? So you accuse international media? I can, you can take me to court. But you need to go to hospital. Of course. Madam, I drink. I thought. What the hell is going on? So, yeah. Adi Radharat. इसको दुख हो रहा होगा इसको ये वर्ल्ड लेवल पे गई है सहाफी तुम थे रात को 12:30 बजे एक्सीडेंट हुआ तो ये हुआ तो मैं हमें मैंने जब वो देखी लड़की हाँ मैं किंग मूवीज में गया तो उसने सोने की अंगूठी ली उस वक्त सोना भी सस्ता था शदीद दोस्त ने ली सोने की अंगूठी मैंने कहा यार कितना मोहब्बत है अच्छा मुझे कख फर्क नहीं पड़ता मैंने कहा भाई ये जो भी लड़की आएगी उसके साथ भी कोई आएगी और हम जो है ना मैं खाना खाएंगे चले जाएंगे ऑफ कोर्स जब लड़की देखी तो मेरी आंखें बाहर इतनी प्यारी अरे वाह अच्छा उसके बाद सारा सिचुएशन ये थी कैसे कटाऊं उसको दोस्त सेकंड हां सेकंड टाइम माशाल्लाह तुम भी मेरे ही भाई थे पर ग्रुप मूड नहीं था आपने तो हुआ ये कि फिर वो अब मैंने पूरी साजिश के तहत आंखों में आंसू लाके एक दिन फोन कर दिया कि तुम जानती हो वो क्या कर रहा है अच्छा वो था तो हमारी तरह उसको नंबर पहले वहां से मिला क्या हुआ और हम पूरा कैंपेन कर दिए हमने पांच छह दोस्तों को मिला के यार ये गलत कर रहा है लड़की के साथ धोखा दे रहा है हालांकि बेचारा वो हमारी तरह ही था गलती से बच गई थी लड़की से यार पूरा सीन खत्म कराया मैंने उसका अल्लाह प्लान करके वो मुझे भी नहीं मिली लड़की मैं इसका भी नहीं मिला अपना भी नहीं हुआ उसका भी नहीं हमने कहा ना वो हमारा होगा ना किसी का होगा खत्म बात ना खेलेंगे ना खेलने देंगे अच्छा हेरा आपको भाभी भी तो नहीं कह सकता मेरी अपनी वाइफ का नाम हेरा है हाँ मुझे बताया मानी हेरा ही कहूँगा क्या पढ़ते कि सारी हेराएं एक जैसी होती हीरा होती हीरा होती और क्या भी कह सकता हूँ मैं तो मैं सवाल क्या सवाल सवाल 19 साल की बांकी उम्र आप पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई नहीं नहीं ऐसा क्या इन्होंने देखा आपने देखा इनमें मैं दिखा भी देता हूँ कि उस वक्त कैसे दिख रहे कि आप पढ़ाई घर दोस्ती यारी सब छोड़कर क्या क्या था इस शख्स में ऐसा क्या था सिर्फ शोहरत थी मैं सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हां सही है क्योंकि ये मशहूर भाई तू पूछ ले आज बहुत खतरनाक सवाल है और ये जवाब देना है आपको मुझे ये बताएं 19 साल की हीरा है और मानी है जैसे थे ठीक है अगर तो मानी मशहूर ना होते उस वक्त और इस सवाल ऑनेस्टली जवाब देना है मशहूर ना होते तब भी 19 साल की हीरा नौकरी पढ़ाई छोड़ के दोस्ती यारी छोड़ के शादी कर रही होती या नहीं यार टीवी में देखा था ना इसलिए कि तो टीवी में देख के पर्सनैलिटी का पता लगा कि मेरे भाइयों की तरह है कुछ भी बोल रहा है और बिल्कुल मतलब ये बिंदास है जो दुनिया एमकेएम से डरती है ये नहीं डर रहा उस टाइम पे मतलब हाँ कह सकते हैं जुमला जा सकता है अब तो एमकेएम में नहीं मतलब मुझे फुल गैंगस्टर और बहुत ऑथेंटिक और बड़ी सच्चाई वाली वाइब आई उसमें भाई दो लोग और आते थे जिसमें असफर और टीपू थे यही क्यों पसंद आया जानी असफर और टीपू भाई के आगे उसी ड्रामे में थे जी सही है चलो ये अच्छा डिफेंस है अच्छा डिफेंस है वो भी मशहूर थे असल में मानी कि असफर भाई शादीशुदा थे एक ये हो सकता है टीपू भाई का ये था कि वो उनका कैरेक्टर पिंटू का ऐसा था कि मोहब्बत ना हो पाए बस वो मैं फेल इतनी होती थी और ये ना वो बनवाता था जाली डिग्री उस ड्रामे में ये भी एक ड्रामे में अच्छा क्लियर कर दिया आपने और बस मानी का सीन ऑन है वाह भाई स्टाइल की फैन है मानी की स्टाइल की अच्छा जवाब सच की अच्छा जवाब सच की मानी भाई लेकिन इसको इसको पता नहीं मुझे नहीं पता कि इसको मुझे हुआ एक सेकंड कर ले ये कर ले पहले ये सवाल डिस्क्राइब कैसे होता है कि आपको ये पसंद क्यों आया और शादी कैसे चल रही और बकायदा मैंने देखा है लोग बैठ के बताते हैं जी शादी जो है वो इस तरह चलती है नहीं भाई शादी चलने का कोई फॉर्मूला नहीं है सिर्फ ये तो दुआओं पे चलती है हां ये किस्मत पे चल जाती है बताओ कैसे चल सकती है शादी की चीख के चीखने के लिए बाहर चली गई घर से चली गई नहीं चीखने का दिल चाह रहे हैं बाहर जा रही है नहीं नहीं चीखी घर में बाहर चली गई गाड़ी निकाली दी मैंने कहा आज तो ये सीधी मारेगी जाके लेकिन ये अच्छी बात है हीरा की कि मैं तो फिर केयरलेस चलाता हूँ बहुत मतलब देख के ठोकती हूँ हाँ देख के ठोकती नहीं हूँ ठोकती नहीं एक दफा ठोकी थी तीन गाड़ियाँ एक साथ मैंने चार रेंज रोवर सिविक का दरवाजा आगे पता नहीं कोई सिटी बेंज पीछे से इतनी महंगे इलाके में कहाँ थी आपके तीनों ही बड़ी गाड़ियाँ मिल गई भाई मैं निकली गाड़ी चला रही थी पीछे ना फुल काली गाड़ी ना काले शीशों वाली के हल्का सा शीशा खुला तो फुल धुएं निकल रहे थे बाहर अंदर पता नहीं क्या कहते हैं हाँ धरने में बैठा था इसका मियाँ डर गई मैंने कहा मानी ये पीछे पड़ गए मेरे कोई सीने मानी ने कहा तुम निकलो तुम वहां से निकल गई इतनी देर में मानी का जहाज उड़ गया
और मैं उनसे घबरा के मैंने फुल स्पीड में गाड़ी चलाई, बिलावल हाउस की गली में मैंने गाड़ी ऐसे मोड़ ली, फिर धड़ 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 सारी मारती हुई मैं, वो पीछे थे भी नहीं, वो जा चुके थे कब के। बड़ा गाड़ियां ठोक रही है अपनी गाड़ी का नुकसान। उसके बाद हमने उनको पे किया जिनकी वो गाड़ियां थी, इनकी गाड़ियां थी, वो ऊपर से फुल वॉइस उतरे ना आगे हिले गए हिले गए। मुझसे आपकी गाड़ी लग गई भाई, मैंने अपने भाई बुलाए तो उन्होंने कहा ओके। फिर वो जो भाई आए मेरे दोनों उम्र और तन्हा, जैसा जिंदगी कहते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हम कुछ ये करेंगे तो ये खराब हो गई, हालत खराब नहीं हुई। उन्होंने कहा सही है यार, पैसे दे दे। हमारे इससे याद आया, इसी जुमले से, हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम तो कुछ और है मगर यूनिवर्सिटी में उन्हें मिथन कहते थे। मिथन, अच्छा मिथन ऐसा था कि वो नहीं होते, वो एक फिल्मों से पहले एडवाइजरी आती थी कि भाई ये 16 VSNL है, इसमें वॉयलेंस है, ये है लैंग्वेज, उन कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी होती है 18। भाई मैं आपको बताऊं, हर खानदान में एक मिथन है। मिथन है, मिथन एक टाइप है जो कि आपको हर जगह मिलेगा। मैं ये एग्जांपल ला रहा था, चौड़े में फिल्म भी पे भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। हां, होंडा के नाम से 98 में आई थी। मिथन चौड़े में रहते हैं। मिथन का ऐसा है कि जब भी आप पूछोगे ना क्या चल रहा है मिथन, जाने कभी भी फायरिंग हो सकती है, कभी भी फायरिंग हो सकती है, हमेशा जैसे चाय के होटल बैठे थोड़ा नीचे हो गया, क्यों हालात खराब है हर वक्त हर वक्त। अब हुआ ये जैसे ना चौड़े में कैसे रहते थे कि मतलब जैसे मैं लैपटॉप पे ना, मैंने हेलीकॉप्टर लगा हुआ था चिनोक, तो उसकी तस्वीर लगी हुई थी मेरे लैपटॉप पे, तो मैंने कहा यार मित्र मेरा बड़ा दिल करता है इसमें एक बार बैठने का ना, पास में लगा शाही बैठा, कभी नहीं बैठा। जैसे ये रोज बैठता बैठ रहा है भाई, है भाई ऐसे मिथन होते हैं जिनको बताओ कि हम जू गए थे, कहते अरे मेरे खुद बाग में हाथी दो मोर दो चीते इधर आ जाता इधर आ जाता। तो ये वाकया था कि एक दिन ना यूनिवर्सिटी में, उस जमाने पार्टियों का बड़े मसले थे, तो फायरिंग चल, क्लैश चला था, 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 था। मेरे अब्बा भी यूनिवर्सिटी में होते थे, तो मैं उनके पास बैठा था, हम ऑफिस में बाथरूम में छुप गए, अब बाप बेटा बाथरूम में छुपे हुए, तो मैंने अपने दो दोस्तों को बोल दिया भाई फायरिंग हो रही है मैं इधर छुपा हूँ। थोड़ी देर बाद मिथन का फोन आ गया, हेलो किधर है? मैंने कहा यार छुपा हूँ अब्बू के साथ। तूने टला और रिशान को क्यों फ़ोन किया? मैंने कहा यार मैं दोस्त थे उनका फ़ोन आ गया था, मैं मर गया हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई तू बता क्या करना है? और से सुन, मैंने सुना जब फायरिंग रुक जाए फिर निकलना। हरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, समीना पीरज़ादा के सामने आप बैठी हैं, वो आपसे यूं करके बात। यार पता है ताबिश सीन ये था कि जब मैं जहाज में बैठ के वापस आ रही थी, मुझे रियलाइज हो गया था बंद हो गया है, कि बंद हो गया। अच्छा अभी अभी मुझे एक, मैं आपसे जुमला वो सुनूंगा दोबारा से, आपने रिक्रिएट करना है। ओके। तो कभी मर्दों को अच्छा कहा है? मर्द पड़े आपने कह रहे हैं मर्द को भी समझो, हाँ मीम रिफ्रेश होनी है, हाँ मर्द बड़ी प्यारी चीज है उसको भी समझो, उसका भी तो दिल है। उसको 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 रोने से रोक देते हैं, हाँ भाई उसको भी रोना आ सकता है उस फेज में जाओ, है ना उस फेज में, उस फेज में जाओ। मैं समीना बन के बैठा हूं, फेज अलग था तुम्हारा, समीना के ऊपर फ्लो, समीना आप दो लोग नहीं है, समीना आप ऊपर फोकस करो, फोकस कैमरा में नहीं चले जाता है ना शो से, नहीं होता खाली खाली शो होता है, नहीं यार थोड़ी पे नहीं होता। मेरी आंखों में देख के हीरा मर्द को बुरा आप खुद बनाते हैं, मर्द बड़ी प्यारी चीज है। और मर्द ना यूं करके सिगरेट पी रहा है। हमारे अब्बू के दोस्त है ना तीली अंकल, वो पीते थे सिगरेट, तीली अंकल तीली थे सुखे और जितना पतला आदमी, जितना पतला आदमी मैंने देखा है ना सिगरेट उतनी जोर से खींचता है कि गुद्दी से धुआं निकल रहा है, यहां से उनके यहां से निकल रहा है यहाँ से ब्लैक पैच। अच्छा वो उस जमाने की सिगरेट भी अलग होते थे फिल्टर के बगैर वाले, उससे आवाज भारी रहती थी। नहीं लेकिन यार आई मीन इट, मर्द प्यारी चीज है यार। थैंक यू। अच्छा हीरा आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, ये हमें पता है, तो हम आपसे नहीं सुनेंगे, आप तो अच्छा ही गाती हैं, शुक्र हमने बुलाया हुआ सिंगर ऑलरेडी, कोई तकलीफ आपको नहीं देंगे। थैंक यू सो मच, आपके भरपूर तालियों में कायद अहमद। हेलो ताबिश, क्या हाल चाल मानी भाई? इनका नाम कायद है, ये वो कायद नहीं है। कैसे कायद? ठीक ठाक, आप सुनाए भाई क्या माजरा है, क्या लेकर आए हो स्टफ? मैं सुन रहा था कराची और पाकिस्तान के हालात पे बात हो रही थी, हालात बहुत खराब है और अजीब सा सीन हुआ है हर जगह ना, तो अब रोमांस तो निकलना नहीं है ना हालात में, ना प्यार निकलना है, तो प्यार भरे गानों के अंदर
जो शौहर बीवी के लिए गा रहे होते हैं किसी भी शहर में, हमारे मुल्क में कहीं भी बैठे, तो अल्फाज जो है ना वो क्या निकल रहे होते हैं मैं आप लोगों को सुनाने आप एक बता रहे हो कि शौहर बीवी के लिए क्या गाना गा रहा है, क्या असल में क्या गा रहा है, असल में क्या वो प्यार भरे गाने होते हैं लेकिन उनके मुंह से इन परेशानियों की हालत में क्या क्या निकल रहा होता है वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। बताओ बताओ। आज जाने की जिद तो करो, आज जाने की जिद तो करो, यूं न पहलू में बैठी रहो, यूं न पहलू में बैठी रहो, आज जाने की जिद ना करो, जिद तो करो, हाय जल जाएंगे हम तो सड़ जाएंगे, मैं के कभी जाया करो, मैं के कभी जाया करो, आज जाने की जिद तो करो, वाह तुम भी सो जान जाती है जब झट से आती हो तुम, जान जाती है जब झट से आती हो तुम, तुमको अपनी कसम जार जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद तो करो। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूं ही ताने दिया ना करो, तुम भी खर्चे टाइम पे दिया करो। बेगम आप हाथ हल्का रखा करो। ऐसा होता है कि मानी भाई जब बेगमात होती है ना अपनी ससुराल में तो आप उनको SMS मारते हो रात में कि बहुत मिसिंग आ रही है, बहुत मिस कर रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ। अगर बेगम हल्का सा भी कह देना अच्छा मैं आ जाती हूँ, नहीं 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 हम ही जाओ, मैं हमें वो इंतजाम जो घर में होते हैं वो आप वहाँ कर दें। हाँ चलिए, वो जो मैं मानी को बोलती ना, मानी मैं अम्मी के जा रही हूँ, मानी मुँह नीचे करके कहते हैं हाँ हाँ सही चलिए। दूसरी बात दूसरी बात नहीं करता मैं। कायद थैंक यू सो मच भाई, पीछे जाइए कायद के लिए। थैंक यू कायद। आपने जो इतना बड़ा कहा कि मर्द प्यारी चीज है, कितनी देर बाद रियलाइज हो गया कि ये भंड हो गया? नहीं ये भंड नहीं हुआ था, भंड वो हो गया था जो मैंने सारे मंगेतरों के नाम। वो तो हो ही गया था। उसके फिर हमारे जो मीमर्स जो माशाल्लाह से जिनकी रोजी रोटी पे चल रही है, टूटने का जिक्र सब, ये देखा लड़की ठीक नहीं थी, सच नहीं बोला जा सकता। समीना पीरजाना में एक डेप्थ है मानी, शायद अगर मैं ये मेरा इंटरव्यू ना करती तो मेरी सच्चाई आज लोगों को पता ना होती, और मेरी सच्चाई जानने के बाद लोग ज्यादा मेरे फैन हुए। ये बात भी सच है कि यार इसने बोल दिया दादा सब। हम लोग शुरू से क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसमें हमने पहला स्टार्ट, मैंने ये सोचा था कि यार मैंने तो जो सच सच कहना है, सच सीधी बात करनी है। हमने सोचा नहीं था तुम हो ऐसे। मैं हूँ ही ऐसा, मुझे वो बुरा लगता था बचपन में PTV का ड्रामा देख रहे हैं तो कहता ये दुनिया एक ट्रेन की मानंद है। किसकी मानंद है? ये वो आते थे अब्बा बैठे होते थे और बेटे को एक बच्चा यूं चाबी घुमा के आ रहा है। अच्छा बिगड़ा हुआ बच्चा चाबी घुमाता था यूं करके, बिगड़े बच्चे कुछ ना कुछ घुमाता था। अब्बा कहते थे कि बेटा तुम्हें बता ये दुनिया एक ट्रेन की मानत है। अबे नाश्ते की टेबल पे सब बैठे, कभी नहीं बैठ रहा आजकल कोई। हाँ। नाश्ते की टेबल पे कब कोई बैठ रहा किसी घर में? वैसे एक अब्बा बैठे हैं बड़ी उम्र वाले साहब। मुझे ड्रामों से ना ये इख्तलाफ है थोड़ा, मुझे मानी नहीं जब असल अंग्रेजी फिल्में और चीजें दिखाई, असल अंग्रेजी फिल्में तो मैं देखा है ना, असल अंग्रेजी फिल्में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल जुमला लग रहा है। मैं जाली अंग्रेजी फिल्मों के बारे में सोच रहा था भाई। सुनो ना ताबिश, हर जगह कंट्रोवर्सी नहीं बनाते, नहीं पागल। तो उसमें था कि नाश्ते की टेबल पे हमेशा सब जल्दी में होते हैं, कोई कॉर्नफ्लेक्स खा रहा होता है, कोई ब्रेड लेके हाथ में फिर रहा, हम प्रॉपर ऐसे बैठते हैं सब। और फिर हम लोग ऐसे लुक्स भी कराते हैं, आज देर से आई।
भाई कैसे होता है? मैंने कहा कि अंग्रेजी फिल्म में आप देखें सुबह एक तो उठते ही 5:30 बजे क्या मन होती है, क्यों उठ रहे हो सुबह सुबह यार? क्या हम ही कहते हैं क्या मौत पड़ गई? तो पाकिस्तान नहीं होता है कि बंदा एक रूटीन, मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान का क्या है, बंदा पहले तो उठेगा, अगर ऑफिस 9 बजे तो 9:30 बजे उसकी आंख खुलेगी, उस ऑफिस पहुंचेगा, फिर 3:30 बजे जुगाड़ करके वो निकलेगा, किसी को बीमार करके या किसी को मार के या कुछ भी करके आके हाजिरी लगा के, उसके बाद उसने जो है एक अदद मैयत अटेंड करनी है, या शाम की शादी की प्लानिंग होगी उससे पहले चाय के ढाबे में बैठ के दोस्तों के साथ बैठ के बात करनी है। ये इतना टाइम दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। चाय के ढाबे में बातचीत होगी, एक फड्डा देखेगा, एक फायर होगा कहीं पे, उसका हिस्सा होगा, चशमदीद गवाह होने के बाद घर जाएगा, ड्रामा देखेगा बेगम के साथ बैठ के, उसके बाद ये लोग शादी पे निकलेंगे वीकडे में, उसके बाद ही घर आगे शादेव का शो देखने के बाद हंसना मनाए देख के सोएगा, उसके बाद कोई रोमांस थोड़ा बहुत अगर हो जाएगा उसके बाद वो भी जरूरत नहीं है, वो रेगुलर नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इतना टाइम हो रहा है कहीं पे दुनिया में? नहीं नहीं, अरे टाइम का अंदाजा तो इस बात से लगा लो आप, रोड पे एक्सीडेंट देखा है आपने कभी? रोड पे एक्सीडेंट हुआ है और बंदा ना, वो बंदा जो जल्दी में कटिंग मार के आ रहा था, एकदम से एक्सीडेंट देखता डबल पे लगाई बाइक उसने, सिंगल पे भी नहीं खड़ी करता वो, इतनी फुर्सत से उतरता है डबल पे, यूं करके बाइक उठाता है और फिर जाके एक्सीडेंट यूं देखता है, देखता रहता है, इतना टाइम है इनके पास, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ। इस फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनी हुई प्रॉपर वाली, प्रॉपर कहानियां नहीं है, तो फिर लोग कहानियां ढूंढते हैं इर्द गिर्द में, मोहल्ले की फड्डे देख रहे होते हैं, लड़का लड़की पकड़े जाए उसपे मजे ले रहे होते हैं, हर कोई मजे ले रहा है। मोहल्ले से निकल के ना आप सबके इंस्टाग्राम मजे आ गए, और इंस्टाग्राम में हर गली में कोई एक्ट्रेस खड़ी हुई है उनके दिमागों में और बात लगा रहे हैं। अच्छा एक्ट्रेसेस भी तो कम नहीं, हम लोग इंस्टाग्राम के जो हम लोग सोशल शोबिज के लोग हैं हम भी तो कम नहीं करते ना। हाँ। आज मैं बहुत अच्छी चाय पी रही हूँ। अब ये दिखाने की क्या जरूरत थी यार, चाय पी रही हूँ, ये पीआर वाले करवाते हैं ना, मैडम एक चाय वाली तस्वीर लगवा दी है ना, होता ही नहीं होता। हम मीम्स देखेंगे है ना, हेरा हेरा आप पे मीम्स जो बनी है और मानी भाई पे, हेरा मानी और हेरा नानी, हेरा नानी पुरानी वो फेस फेस जो बूढ़ा करते हैं ना, हेरा परेशानी, हेरा परेशान, अरे हेरा पाकिस्तानी, बहुत आला हेरा पानी, पानी बहुत आला यार, वाह चलो कश कश, हेरा नहीं मानी, नहीं नहीं बंद कर, ऑडियंस के पास जाने दो मुझे। सलामकुम, वालेकुम सलाम, आप डिले पे हैं बेटा? जी जी, वालेकुम सलाम सर, सीएनजी पे चल रहे, तेरा पिकअप स्लो है। मानी ने, हिरा ने कहा कि मर्द बड़ी प्यारी चीज होता है। बिल्कुल सही कहा। कौन है? मेरा मेरा आपसे यही, आप इससे मुत्तफिक है ना? जी बिल्कुल सैटिस्फाई, वो लग भी नाम सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम? हाँ नहीं नहीं, पीछे आपके पड़ोस में जो साहब रहते हैं उनका नाम पता चल जाता है, आपका ही नाम पूछूंगा ना आपसे। yes. क्या नाम है आपका? नजीर अहमद। नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद तो नहीं है आप? अच्छा तो क्या सवाल है आपके पास? हीरा मैम से मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछना। कि मानी भाई तो पॉलिटिक्स में आ गए, अगर हीरा मैम पॉलिटिक्स में आए तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेगी? PSP करेंगे। डॉल्फिन? Yes, अभी PSP पे आएंगे। आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि अच्छा नजीर, आप वैसे डॉक्टर तो हो, कुछ शौक रखते हो शायरी वायरी गाने वाने ड्रामा एक्टिंग? हाँ शायरी में थोड़ा सा शौक आता हो, कुछ कुछ दो एक चीज एक शेर आता हो जाए। हमें अपना नहीं गम तुम्हारा है दोस्त, किसको सताओगे फिर जब हम नहीं होंगे। आप अपना देखो, आप निकलने ही करो, वो कर लेगा। ताबिश मेरी वो एज हो गई है, मेरा दिल चाहता है मैं मुशायरे में जाऊं। और कुछ शेर आते हैं? शायरी नहीं, कोई एक भी शेर नहीं आता। शुरू में लिखती थी वो, मेरा होगा नहीं हुआ तो क्या होगा, एक आस दिल में। बहुत अच्छा शेर आ रहा है, वो मेरा होगा ये आता हो जाए। वो मेरा होगा नहीं हुआ तो क्या होगा, एक आस थी दिल में, एक प्यास, पता नहीं वो प्यास थी दिल में, लगन थी उसको। साहिल लोधी के शो में तो ये फोन करती थी तो भाई मैं सुनती थी, सुनती थी 103 FM 103 तेरी मोहब्बत में। चौधरी रोजरात आज का आसना मनाया यहीं खुदाम को पहुंचा, मेरे साथ मौजूद थे मानी भाई और हेरा। मुझे मालूम है कि आपके घर लाइट जाने वाली है, गर्मी होने वाली है, एक रिक्वेस्ट है कि ठंड रख और स्प्राइट इंजॉय कर।